हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुरीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं आज शाम को भी आप लोग की क्लास लूँगा, तो वो उसी वादे के अकॉर्डिंगली मैं आज शाम को भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ क्या, मैं स्क्वायर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो आज मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊँगा कि छोटे से छोटे नंबर या बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अभी अभी दोपहर सुबह की क्लास में हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन ख़त्म किया था। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर के बाद क्यूब निकालना सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, फिर क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, या पहले क्यूब रूट निकालना सीख लेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जैसे ये चारों कॉन्सेप्ट खत्म होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये चारों कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद हम लोग तुरंत फिर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और फ्रैक्शन के बाद फिर हम लोग तुरंत परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI वगैरह ये सारे टॉपिक फिर कवर कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कराया करिए सब्सक्राइब, ठीक है। अपने दोस्तों को लिंक भेज दिया करिए, वो लोग भी सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। भाई हमें आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, इसीलिए मैं आप लोग की क्लास बहुत ही अच्छे से ले रहा हूँ। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली है। और जब बड़े बड़े हम लोग कॉन्सेप्ट उठाएंगे, बड़े बड़े टॉपिक उठाएंगे, तो हम लोग उस समय भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग को लगेगा कि हाँ, जैसे क्लास में बैठ के ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, कोरोना जब तक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए। बस हम लोग का जो मेन एम था वो ये था कि हम लोग की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, तो इसीलिए ये सारे चीज़ें अरेंज की जा रही हैं। क्लियर है, बहुत जल्दी हम लोग आपको लाइव आके पढ़ाएंगे, तो इसलिए परेशान ना होइए, घर में पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इस समय कोरोना काल में खुश रहना। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर आप जो है कि पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। क्लियर है, तो हम लोग को फाइनली क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। क्लियर, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर है। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वो वाला स्क्वायर बेटा, मैं यहाँ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी ना, ठीक है। ये ना सोचिएगा हम वाला स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं जो कि अभी क्या नाम है वो कि वो चार, जिसमें चार साइड होती हैं, वो वाला भी स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। वो सब तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं वो नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि 1 से लेकर 50 तक के नंबर का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने याद भी कर लिया होगा, जो लोग नहीं याद कर पा रहे हैं वो याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो मैं निकालना आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर। तो आइए आज से स्क्वायर पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो स्क्वायर में मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको, बस कुल मिला के यहाँ पे स्क्वायर में हम लोग छोटे बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि जैसे बड़े से बड़े नंबर का है, छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर किस मेथड से निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्लियर है। जैसे चलिए मैं एक नंबर उठा लेता हूँ, सपोज दैट ऐसे ही नॉर्मली 51, मैंने एक नंबर उठा लिया 51, क्लियर है, ठीक है। 51 का जैसे स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो आप 51 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए 51 में डिजिट कितनी दिख रही है, दो डिजिट दिख रही है, एक 1 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है बेटा, 5 दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ एक 1 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, इसमें 2 डिजिट दिख रहे हैं, ये यूनिट डिजिट है और ये क्या है, टेंथ डिजिट है, ठीक है। ये इकाई का अंक और ये कौन सा अंक है, दहाई का अंक है, और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालना। 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे यही मैं आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले यूनिट डिजिट वाले नंबर को अलग कर लीजिए। तो इसमें से मैंने 1 को अलग कर लिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ दो अलग अलग डिजिट दिख रही है, एक 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 01 होता है, क्या होता है बेटा, 01 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है 01, भाई होता 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमने आपको बताया था पहले भी कि आज फिर बता दे रहा हूँ
कि कभी भी इधर वाले नंबर का जो यूनिट डिजिट वाला नंबर है उसका स्क्वायर करने पे कोई सिंगल डिजिट आ जाए तो उसके आगे हमेशा क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। क्लियर है? तो वन का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, जीरो वन हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पाँच का स्क्वायर क्या होगा, पाँच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस ना। ठीक है, वन का स्क्वायर हो गया जीरो वन, पाँच का स्क्वायर हो गया पच्चीस। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, फाइव को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव आएगा, आएगा। और फाइव का हमेशा क्या कर देना, दुगना। तो पाँच का दुगना क्या होगा, दस होगा। तो दस कहाँ लिखेंगे, दस यूनिट प्लेस छोड़ के लिखेंगे, मतलब दस एक के नीचे नहीं लिखना है, दस वन को छोड़ के मतलब पचास के नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, वन जीरो पाँच एक छः और 2601। तो 51 का जो स्क्वायर हो गया वो क्या हो गया, 2601 हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह चलिए एक और नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 72 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम, सबसे पहले 2 को अलग कर लिया हमने। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 04 होता है। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन लिखेंगे क्या, 04, क्योंकि एक डिजिट आ रही तो उसके आगे क्या लिख लेंगे, 0। तो 2 का स्क्वायर 04 हो गया। 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया। क्लियर है? उसके बाद 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 14 आएगा ना। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। ठीक है, और 14 का क्या करना है, दुगना। मैंने अभी बताया था 14 का दुगना क्या होता है, 28। और ये जो 28 आएगा, इस 28 को लिखने का तरीका, 28 इस 4 के नीचे नहीं आएगा, 28 किसके नीचे आएगा, 90 के नीचे आएगा। सबको जोड़ दीजिए, 4 8 9 2 11 के 1 हासिल 1 4 1 5, आंसर क्या आ गया, 5184। बात समझ में आ रही बच्चों को? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अगली बात। वीडियो ब्लर हो रही है क्या? हाँ, तो यही चीज़ मैंने कही थी आपसे कि सबसे पहले यहाँ पे 4 ऐड कर लिया, फिर 8, फिर 9 2 11 का 1 हासिल 1 और 4 1 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गई थी, फिर अब आगे कंटिन्यू करेंगे, अब सही हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 83 का स्क्वायर निकालना है। अगर 83 का स्क्वायर निकालना है तो 83 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 0 नो। 8 का स्क्वायर 64 होगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, और 24 का दुगना, 24 का दुगना बेटा क्या होता है, 48। 48 9 के नीचे नहीं लिखेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, 9 8 4 4 8 और 6, तो 6889। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 6889 आ गया। बात समझ गए? ठीक है, इसी के बाद अगली कुछ बातें करते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने 2 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर निकालना आपको बताया ना, मान लीजिए मुझे 3 डिजिट वाले नंबर के भी स्क्वायर निकालने हैं, तो उसको भी मैं निकालना आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे की भी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 106 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना, कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 को अलग कर लीजिए ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 60। और 60 का दुगना, 60 का दुगना क्या होगा, 120। 120 6 के नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, 6 3 2 1 1, आंसर क्या आ गया, 11236। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको? अच्छा, चलिए और भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 253 का स्क्वायर निकालना है ना, 253 का स्क्वायर निकालना है, तो 253 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09 होगा ना। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। भाई इसीलिए मैंने कहा है कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए ना। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 75। और 75 का दुगना क्या हो गया, 150। 150 कहाँ लिखेंगे, 9 को छोड़ के, 9 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 6 6 4 डबल 0 9। तो कैसे होगा, समझ में आ गया ना। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 361 का स्क्वायर निकालना है ना, 361 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 को अलग कर लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 01। 36 का स्क्वायर 1296, यही तो होता है ना, 36 का स्क्वायर 1296 होता है ना। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 का दुगना करेंगे क्या आएगा, 72। 72 को 1 के नीचे नहीं लिखना, जोड़ दीजिए, 1 2 7 6 13 के 3 हासिल 1 9 1 10 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 130321। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 130321। बात समझ में आ गई? ठीक, हटा दो।
तो अभी इस तरह से ये स्क्वायर निकालने का बेसिक मेथड है। ये जो मैंने स्क्वायर निकालने का अभी अभी सिखाया है वो कौन सा मेथड है बेटा? बेसिक मेथड है। इस मेथड से आप चाहे जितना छोटा, वैसे तो 2 डिजिट या 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर ही अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, और चाहे और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैलकुलेशन में कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आपको स्क्वायर निकालना मैंने सिखा दिया है। और नॉर्मली 2 डिजिट या 3 डिजिट, अगर 4 डिजिट का भी करेंगे तो इसी तरीके से होगा, बस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट, ये जो मैंने अभी सिखाया ये बेसिक मेथड है। कहने का मतलब एक तरह से ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, समझ गए ना। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके बताने जा रहा हूँ स्क्वायर निकालने, कुछ स्पेशल तरीके बताने जा रहा हूँ, वो भी सीख लीजिए ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल फॉर 5। इसका नाम स्पेशल इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सारे नंबर में मैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक लगा दूंगा जिससे बहुत जल्दी से स्क्वायर निकल आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्पेशल फॉर 5 में क्या होगा? स्पेशल फॉर 5 में होता कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आप जब मैं लिखूँ तब तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालना है ना, या फिर 25 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 35 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 45 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 55 का स्क्वायर निकालना है ना, ठीक है, या फिर 65 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 75 का। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका नाम स्पेशल फॉर 5 क्यों पड़ा है ना, या फिर 95 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब इसका नाम स्पेशल फॉर 5 क्यों पड़ा है बेटा? इसका नाम स्पेशल फॉर 5 इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस सारे नंबरों के लास्ट में क्या है? 5 है। क्या है? 5। जितने भी नंबर होंगे सबके लास्ट में क्या होगा? 5। तो ये मेथड तभी अप्लीकेबल होगा जबकि नंबर्स के लास्ट में क्या होगा? 5 होगा, तभी ये मेथड अप्लीकेबल होगा। बात समझ गए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को अलग कर लीजिए, बस एक सीख लीजिए और सारे आ जाएंगे आपको। सबसे पहले इसमें से 5 अलग कर लिया ना, ठीक है। अब यहाँ बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 25 हो गया। फिर यहाँ पे 1 लिखा है, अब आप खुद बताइए 1 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है? 2 आता है। 1 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है? 2 आता है ना। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया 2 × 1 = 2। देख लीजिए 15 का स्क्वायर 225 होता भी है, समझ गए ना क्या मैंने बोला। सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या कर लीजिए? 25। फिर 1 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है? 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 2 आ गया, क्लियर है। इसी तरह यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 2 से अगला नंबर 3, 3 × 2 = 6 ना। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर 4, 4 × 3 = 12। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगला नंबर 5, 5 × 20। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 5 से अगला नंबर 6, 6 × 5 = 30। समझ बात आ रही है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस इधर वाले नंबर का स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा हमेशा, और जो इधर वाला नंबर उसे जस्ट अगला नंबर लिख के क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 6 से अगला नंबर 7, 7 × 6 = 42, समझ गए ना। 5 का स्क्वायर 25, 7 से अगला नंबर 8, 8 × 7 = 56। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में ज़रूर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी ये तरीका अप्लीकेबल होगा, समझ गए ना, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगला नंबर 9, 9 × 8 = 72। 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगला नंबर 10, 10 × 9 = 90 ना। इधर 5 का स्क्वायर 25, 10 से अगला नंबर 11, 11 × 110, क्लियर है सबको, ठीक है। तो कैसे करना समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकालना आपको बताने जा रहा हूँ जिनके लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। जिनके लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। और जो भी इससे अगला नंबर होगा उससे जस्ट अगला नंबर, मतलब जैसे 7 है, 7 से अगला नंबर 8 होता है, 8 × 7 = 56, मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ गया। तो स्पेशल फॉर 5 समझ में आ गया सबको? समझ गया ना, बहुत ही आसान तरीका, और ये बहुत ही बेटा ज़बरदस्त तरीके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं, जल्दी कोई नहीं बताता है, बताया जा रहा है, इसलिए सीख लीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, ठीक है। चलिए हटा दो इसको, हटा दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो तरीका है वो है स्पेशल फॉर 1। क्या है? स्पेशल फॉर 1। स्पेशल फॉर 1, स्पेशल फॉर 1 में क्या होगा? अब स्पेशल फॉर 1 में बेटा ऐसा होता है कि जहां आप देखोगे वहां 1 ही 1 दिखेगा। क्या दिखेगा? वहां 1 ही 1 दिखेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? स्पेशल फॉर 1। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 11 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है? 11 का ना, या फिर आपको निकालना है 111 का स्क्वायर, या फिर 1111 का स्क्वायर, या फिर 11111 का स्क्वायर ना, या फिर
111,111 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 11 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, जरा ध्यान सुनिएगा। जैसे ये बताइए 11 में, अब देखिए इसका नाम स्पेशल वार वन इसीलिए पड़े क्योंकि आप देखिए सब जगह क्या दिख रहा है आपको, वन ही वन दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये बताइए 11 में डिजिट कितनी दिख रही है, जैसे यहाँ पे कितने वन दिख रहे हैं, दो दो वन दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक कितनी बार लिखा है, दो बार लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक दो बार लिखा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, वन लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, टू लिख लीजिए। नहीं समझे बात, समझे? मतलब यहाँ पे एक जितनी बार लिखा रहेगा एक से लेकर वहां तक के नंबर लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ दो बार लिखा है तो एक से लेकर दो तक के नंबर लिख लेंगे, तो एक से लेकर दो तक के नंबर में क्या क्या आएगा, एक और दो आएगा, ठीक है। अच्छा बताइए दो के पहले क्या लिखा है, दो के पहले यहाँ एक लिखा है तो दो के बाद भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। समझ गए ना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद समझिए ये समझ में आ जाएगा। एक कितनी बार लिखा है, तीन बार लिखा है, तो सबसे पहले क्या करिए एक से लेकर तीन तक के नंबर लिख लीजिए, एक से तीन तक के नंबर में क्या आएगा, एक दो तीन आएगा, ठीक है। अच्छा तीन के पहले क्या लिखा हुआ है, दो और एक, तो तीन के बाद भी क्या लिखिए, दो एक। आंसर आ गया, आसान है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए एक एक यहाँ कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है। अगर एक चार बार आ रहा है तो एक से लेकर चार तक के नंबर लिख लीजिए, एक दो तीन चार, ठीक है। उसके बाद चार से पहले क्या लिखा है, तीन दो एक, तो चार के बाद भी क्या लीजिए, तीन दो एक। आंसर आ गया, ठीक। यहाँ बताइए कितनी बार लिखा है, पांच बार, तो क्या लिख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। पांच से पहले क्या लिखा है, चार तीन दो एक, तो पांच के बाद भी चार तीन दो एक लीजिए, स्क्वायर आ गया। समझ गए ना। इसी तरह यहाँ पे एक से लेकर एक कितनी बार लिखा है, छः बार लिखा है, तो एक से लेकर छः तक के नंबर लिख दिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। और छः के पहले क्या लिखा है, पाँच चार तीन दो एक। आंसर आ गया, आ रहा है, आसान है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता जा रहा है आपके लिए ना। इसी तरह मैं क्यूब निकालना भी आपके लिए आसान कर दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। हटा दिया जाए, चलिए। अब देखिए अगले जो तरीके मैं बताने जा रहा हूँ वो एक स्पेशल फॉर 3 है, फिर स्पेशल फॉर 9 है, फिर स्पेशल फॉर 6 है। सबसे पहले अगर आपको स्पेशल फॉर 3 समझ में आ गया ना, स्पेशल फॉर 3 समझ में आ गया, तो समझ लीजिए स्पेशल फॉर 9 और स्पेशल फॉर 6 भी समझ में आ जाएगा ना। चलिए स्पेशल फॉर 3 की बात कर लेते हैं ना। स्पेशल फॉर 3 की अगर बात की जाए तो स्पेशल फॉर 3 में क्या होगा, जहाँ देखोगे वहीं क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर निकालना है, या 33 का स्क्वायर निकालना है, या 333 का स्क्वायर निकालना है, या 3333 का स्क्वायर निकालना है, या 33333 का स्क्वायर निकालना है ना। अब इन सब का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, इन सब का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा ना। 3 का स्क्वायर निकालना है, 33 का स्क्वायर निकालना है, 333 का स्क्वायर निकालना है, 3300, ठीक है ना। और यहाँ 6 बार भी 3 आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए स्पेशल फॉर 3 के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल फॉर 3 के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट सुनिएगा, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तो स्पेशल फॉर 3 आप नहीं निकाल पाएंगे ना। अब देखिए स्पेशल फॉर 3 में एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा ओजन। क्या होता है ओजन, ओजन याद करना, ओजोन ना याद करना, कुछ बच्चे ओजोन ओजोन कहने लगते, ओजोन नहीं बेटा ओजन लिखा हुआ है, क्या लिखा, ओजन, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ओजन लिखा है तो स्पेशल फॉर 3 में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सा लगता है, ओजन का लगता है, कौन सा लगता है, ओजन ना। अच्छा ओ का मतलब क्या होता है, वन, ओ का मतलब भाई वन की स्पेलिंग क्या होती है, ओ एन ई वन, तो ओ एन ई वन में से पहला लेटर ओ उठा लिया गया, ठीक है। जेड का मतलब जीरो, जेड ई आर ओ में से पहला लेटर जीरो उठा लिया गया, ई एट में से पहला लेटर ई उठा लिया गया, और नाइन में से पहला लेटर एन उठा लिया गया, तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया, 1089 ना। बात समझ में आ रही है, क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ओजन का लगेगा, ओजन का मतलब क्या हो गया, 1089 क्लियर, ठीक है। ओ का मतलब 1, जेड का मतलब 0, ई का मतलब 8, एन का मतलब 9। देखिए 1089 याद करना कोई इतना आसान काम नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या रख दिया गया, ओजन, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पे 1 और 8 के नीचे एक एरो बना लीजिए, क्या बना लीजिए, एरो ना, और इस एरो के नीचे एक चीज़ लिखनी, क्या चीज़ लिखनी वो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। इस एरो के नीचे आपको लिखना है जितनी बार 3 आएगा, जितनी बार 3 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर
ये नंबर लिखेंगे ना, जितनी बार 3 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके अलावा 0 और 9 के नीचे भी एरो बना लीजिए, मतलब जो बात यहाँ पे 1 के लिए आएगी वही बात 8 के लिए आएगी, और यहाँ 0 और 9 के नीचे जो एरो बना है तो जो बात 0 के लिए वही बात 9 के लिए। 0 और 9 के लिए लिख लिए क्या, हमेशा एक बार लिखेंगे, बोले तो ऑलवेज राइट वंस, हमेशा एक बार लिखेंगे, बोले तो ऑलवेज राइट वंस ना, ठीक है लिखेंगे ना। तो ओजन, ये जो ओजन कॉन्सेप्ट है, ओजन कॉन्सेप्ट में ये जो 1 और 8 के नीचे मैंने एरो बनाया है, तो 1 और 8 के नीचे जो आपने एरो बनाया उसके लिए मैंने क्या लिखवाया कि जितनी बार 3 आएगा 3 का रिपीटेशन होगा, ठीक है, जितनी बार 3 आएगा मतलब 3 का रिपीटेशन होगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे, और 0 और 9 के लिए हमेशा एक बार लिखेंगे। अब जरा देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 का स्क्वायर हमें लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हमें 3 का स्क्वायर लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है बेटा, 3 यहाँ एक ही बार तो आ रहा है ना, इस ब्रैकेट के अंदर 3 कितनी बार लिखा, एक बार ना, ठीक है। अगर यहाँ 3 एक बार आ रहा है तो जरा यहाँ कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, जितनी बार 3 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ 3 एक बार आ रहा है, बस कितनी बार आ रहेगी आपको देखना है, अगर यहाँ 3 एक बार आ रहा है तो वहां पे लिखा है जितनी बार 3 आएगा, भाई 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, उससे एक बार कम। अगर यहाँ 3 एक बार आ रहा है तो एक बार से एक बार कम क्या हुआ, 0 बार हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहाँ पे 3 आ रहा है एक बार, यहाँ पे 3 आ रहा है एक बार, तो यहाँ लिखा है जितनी बार 3 आएगा, तो 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो कहा गया जितनी बार 3 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखें। अगर यहाँ 3 एक बार आ रहा है तो एक से एक बार कम क्या हुआ, 0 बार हुआ, तो अगर 0 बार हुआ तो बताइए ये 1 और ये 8 कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 और 8 आने की क्या कंडीशन है कि जितनी बार 3 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे। तो यहाँ 3 एक बार आ रहा है, अगर यहाँ 3 एक बार आ रहा है तो एक बार से एक बार कम क्या हुआ, 0 बार हुआ, तो अगर 0 बार हुआ इसका मतलब यहाँ 3 के स्क्वायर में ना 1 आएगा ना 8 आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ 0 और 9 के लिए देखिए क्या लिखा, हमेशा एक बार लिखेंगे, मतलब 0 और 9 का 3 के रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको एक बार आना है तो आना है, ठीक है। अगर ये इसको एक बार आना है तो सीधी सी बात है 1 8 आएगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 0 9 आ गया, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखिए अगला, देखिए यहाँ तक थोड़ी दिक्कत होगी उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर ये समझ में आ गया तो स्पेशल फॉर 9 और स्पेशल फॉर 6 समझाने में टाइम नहीं लगेगा ना। अब देखिए 33 में 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर 33 में 3 2 बार आ रहा है तो यहाँ लिखा है जितनी बार 3 आएगा, तो यहाँ 3 2 बार आ रहा है तो 2 बार से एक बार कम क्या हुआ, 1 बार हुआ। अगर 2 बार से एक बार कम 1 बार हुआ तो बताइए ये वाला 1 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। ये वाला 1 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। बात समझ में आ रही, मतलब यहाँ 3 जितनी बार आए उससे एक बार कम करके ये 1 और 8 को लिखना है। तो यहाँ पे 1 एक बार आया, ठीक है, 1 एक बार आ गया, 0 को तो एक बार आना ही आना है, ठीक है। अगर 1 एक बार आया तो 8 भी एक बार आएगा और 9 भी एक बार आएगा। 33 का स्क्वायर क्या हो गया, 1089। बात समझ गए। अब यहाँ देखिए 3 कितनी बार आ रहा है बेटा, 3 बार आ रहा है। अगर 3 यहाँ 3 बार आ रहा है तो 3 बार से एक बार कम क्या हुआ, 2 बार हुआ। अगर बेटा 2 बार हुआ इसका मतलब 1 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। 0 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 8 भी 2 बार आएगा, 9, मतलब 1 जितनी बार है पहले उतनी बार 1 लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए, फिर उतनी बार 8, फिर 9। समझ गए, बात समझ गए। इसी तरह बताइए यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है 4 बार, तो 4 बार से एक बार कम क्या हुआ, 3 बार हुआ। अगर 4 बार से एक बार कम 3 बार हुआ तो 1 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 0 एक बार, 8 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 9 कितनी बार आएगा, 1 बार। समझ गए। अब आ रहा है समझ में, बताइए यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। अगर 3 यहाँ 5 बार आ रहा है तो 5 बार से एक बार कम क्या हुआ, 4 बार हुआ। तो अगर 4 बार हो तो 1 कितनी बार आएगा, 4 बार। 0 एक बार, 8 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 9 कितनी बार आएगा, 1 बार। समझ गए ना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 आ जाए 6 बार ना, 1 2 3 4 5 6, 3 अगर 6 बार आया तो 1 कितनी बार आएगा, 5 बार। 0 एक बार, 8 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा ना, और 9 कितनी बार आएगा, 1 बार। समझ गए, आ रहा है समझ में बच्चों को, क्लियर है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए मैं जितने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, घर में भी आपको उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर हम दोनों लोग कायदे से अपना काम करेंगे तो बेटा सिलेक्शन आपका गारंटी हो जाएगा, गारंटी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। हटा दूँ,
स्पेशल फॉर थ्री समझ में आया। बस स्पेशल फॉर थ्री में आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, ओजन ध्यान रखना है। ओजन कॉन्सेप्ट आता है, ओ का मतलब वन, जेड का मतलब जीरो, ई का मतलब एट, एन का मतलब नाइन। ठीक है, तो वन के लिए क्या होगा, जितनी बार तीन आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे। ठीक है, और जीरो और नाइन के लिए क्या होगा, हमेशा एक बार लिखेंगे। समझ गए, हटा दो इसको। अब चलिए हटा दे रहा हूँ, साथ ही साथ ये लिख दे रहा हूँ कि स्पेशल फॉर नाइन। स्पेशल फॉर थ्री के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है क्या आता है, स्पेशल फॉर नाइन। स्क्वायर पूरा कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ, है ना, स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। स्पेशल फॉर नाइन, स्पेशल फॉर नाइन में क्या होगा, स्पेशल फॉर नाइन में बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, वो बस मैं चेंज यहाँ लिखूँगा ना। जैसे स्पेशल फॉर थ्री और स्पेशल फॉर नाइन में क्या होता है कि जैसे स्पेशल फॉर थ्री में ओजन कॉन्सेप्ट लगता है, तो स्पेशल फॉर नाइन में ओजन का उल्टा नीजो कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, नीजो। ठीक है, स्पेशल फॉर नाइन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, नीजो कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ओजन का उल्टा क्या होता है, नीजो। ठीक है, अच्छा स्पेशल फॉर नाइन में ये भी ध्यान रख लीजिए कि जहाँ देखेंगे वहीं क्या दिखेगा, नौ दिखेगा, नौ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। समझ गए ना, चार बाय नौ, पाँच बाय नौ का स्क्वायर है ना, आ रहा है समझ में बच्चों को। चलिए, तो स्पेशल फॉर नाइन में ये सारी बातें हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर नाइन में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सा लगता है, नीजो। एन का मतलब नाइन, ई का मतलब एट, जेड का मतलब जीरो, ओ का मतलब वन। ठीक है, यहाँ पे 9801 हो जाएगा नीजो। ओजन का उल्टा नीजो कॉन्सेप्ट लगता है। अब यहाँ पे लिख ले जितनी बार 9 आएगा, जितनी बार 3 नहीं, जितनी बार 9 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे और ये हमेशा एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ है कि यहाँ 9 0 के नीचे जो एरो बना है उसके लिए हमने क्या लिख लिया, जितनी बार 9 आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे, और 8 और 1 के नीचे क्या लिख लिया, हमेशा एक बार लिखेंगे। समझ गया ना। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 बताइए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। अगर 9 एक बार आ रहा है तो सीधी बात है, एक बार से एक बार कम क्या हुआ, 0 बार हुआ। अगर एक बार से एक बार कम 0 बार हुआ, इसका मतलब यहाँ बताइए 9 एक बार आ रहा है तो एक बार से एक बार कम 0 बार हुआ, तो बताइए ये वाला 9 और ये वाला 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर 9 0 नहीं आएगा तो क्या कौन आएगा, 8 और 1, क्योंकि 8 और 1 का 9 के रिपीटेशन कोई मतलब नहीं, उसको एक बार आना है तो आना है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता भी है। यहाँ देखिए 99 में 9 कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो दो बार से एक बार कम क्या हुआ, एक बार हुआ। अगर एक बार हुआ तो बताइए ये वाला 9 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। 8 तो एक बार आना ही आना है, 0 भी एक बार आना है और 1 भी एक बार, तो 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801 ना। यहाँ बताइए 9 कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, तीन बार से एक बार कम क्या हुआ, दो बार हुआ। अगर दो बार हुआ तो ये बताइए 9 कितनी बार आ रहा है, दो बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। 0 कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। 1 कितनी बार आएगा, एक बार। समझ गए ना, बात समझ गए। इसी तरह बताइए यहाँ 9 कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है। अगर यहाँ 9 चार बार आ रहा है तो बताइए वाला 9 कितनी बार आएगा, तीन बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। 0 तीन बार आएगा और एक एक बार, क्योंकि 9 चार बार आया था ना। ठीक है, तो एक बार कम। यहाँ 9 कितनी बार लिखा है, पाँच बार। अगर पाँच बार लिखा है तो 9 पांच बार लिखा है तो सीधी बात है यहाँ पे 9 कितनी बार आएगा, चार बार ना। 9 चार बार आए, 8 एक बार, 0 चार बार और 1 एक बार। बात समझ गए, क्लियर है सबको। तो स्पेशल फॉर 9 समझ में आ गया, देख रहे हैं कैसे हो रहा है, बात समझ में। ये सारी चीज़ें जल्दी कोई नहीं बताता है, बताया जा रहा है इसलिए आप सुन लीजिए और पढ़ डालिए, सीख डालिए, सब कुछ सीख डालिए। ठीक है, चलिए। और गाँव गाँव में आप लोग के हाल चाल ठीक है, गाँव में तो खूब मौज कट रही होगी आप लोग की आजकल। हाँ, देर से सोना, देर से उठना, दिन भर मोबाइल पे लगे रहना, हाँ बाग बगीचों में घूमना उनके साथ, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्पेशल फॉर नाइन, स्पेशल फॉर नाइन के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्पेशल फॉर सिक्स का कॉन्सेप्ट आता है ना। अब स्पेशल फॉर सिक्स में क्या होगा, स्पेशल फॉर सिक्स में बेटा ऐसा होता है कि जहाँ देखोगे वहीं क्या दिखेगा, सिक्स दिखेगा। ठीक है, जहाँ देखोगे वहीं क्या दिखेगा, सिक्स। जैसे मान लीजिए सिक्स का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 66 का स्क्वायर निकालना है, या 666 का स्क्वायर निकालना है, या 4x6 का स्क्वायर निकालना है, या 5x6 का स्क्वायर निकालना है। बात समझ गए ना, तब इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर निकालना है, 666 या 666, 3x6 या 4x या 5x6 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी,
आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मुझे तो याद है। नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी अब तक छप्पन, क्या अब तक छप्पन ना, तो नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी अब तक छप्पन, तो वो मूवी फ्लॉप हो गई थी बेटा, ठीक है, ज़्यादा चल नहीं पाई थी। नाना पाटेकर ने एक्टिंग अच्छी की थी लेकिन वो मूवी चल नहीं पाई थी। तो जो अब तक छप्पन उनकी मूवी आई थी नाना पाटेकर की, उसी से रिलेटेड हम लोग भी एक मूवी बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी मूवी एकदम सुपर हिट है, ठीक है। हमारी मूवी का नाम है 4356, क्या नाम है 4356, उनकी मूवी का नाम था अब तक छप्पन, हमारी मूवी का नाम है 4356। क्योंकि भाई सीधे से बात है, अगर आप ऐसे याद करोगे 4356 याद नहीं हो पाएगा। कभी भी स्पेशल फॉर सिक्स का कॉन्सेप्ट याद करना है तो पहले नाना पाटेकर की मूवी का नाम याद करो, क्या है अब तक छप्पन, और अब तक छप्पन बोले तो 4356, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशल फॉर सिक्स में जो कॉन्सेप्ट लगता हो किसका लगता है, 4356 का कॉन्सेप्ट लगता है। किसका कॉन्सेप्ट लगता है, 4356। अब इसमें वही चीज़ है, चार और पाँच के नीचे जो एरो बनाया उसके नीचे लिख ले, जितनी बार छः आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे, ठीक है। और तीन और छः के लिए क्या लिख ले, हमेशा एक बार लिखेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छः कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे छः आ रहा है एक बार, कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है। अगर एक बार आ रहा है तो यहाँ लिखा है जितनी बार छः आएगा उससे एक बार कम ये नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ छः एक बार आ रहा है तो छः से एक बार कम क्या हुआ, जीरो बार हुआ। तो बताइए चार और पाँच आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर चार और पाँच नहीं आएगा तो कौन आएगा, तीन और छः आएगा, और छः का स्क्वायर 36 होता भी है। यहाँ बताइए छः कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो दो बार से एक बार कम क्या हुआ, एक बार। तो चार कितनी बार आएगा, एक बार, तीन एक बार, पाँच एक बार, छः एक बार ना। यहाँ 666 में छः कितनी बार आया, तीन बार आया, तीन बार से एक बार कम क्या हुआ, दो बार हुआ। अगर दो बार हुआ तो चार कितनी बार आएगा, दो बार ना, तीन एक बार, पाँच दो बार, और छः एक बार, समझ गए, ठीक है, सही है ना, समझ गए। यहाँ छः कितनी बार आ रहा है, चार बार, तो चार बार से एक बार कम तीन बार, तो वो वाला चार कितनी बार आएगा, तीन बार आएगा, तीन एक ही बार आएगा पाँच, क्योंकि तीन और छः का, छः के रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं, उसको एक बार आना है तो आना है। यहाँ छः कितनी बार आ रहा है, पाँच बार आ रहा है ना, तो छः पाँच बार आ रहा है, तो छः से एक कम कर लीजिए, चार कितनी बार आएगा, चार बार आएगा, तीन एक बार, पाँच चार बार आएगा, और छः एक बार आएगा, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा आप खुद ही जवाब दीजिएगा, मान लीजिए 600 बार आ रहा है, क्या लिखा है, 600 बार लिखा है, उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगर 600 बार लिखा है इसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, चार कितनी बार आएगा आप खुद बताइए, 99 बार आएगा, आएगा। तीन कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। पाँच कितनी बार आएगा, 99 बार। छः कितनी बार, क्योंकि 600 बार आ रहा है तो चार एक कम 99 बार आएगा। मान लीजिए 6 आ रहा है 50 बार, 650 बार आ रहा है, उसका स्क्वायर निकालना है तो चार कितनी बार आएगा, 49 बार आएगा, ठीक है। पाँच कितनी बार आएगा, एक बार ना, और तीन कितनी, ये तीन कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। पाँच कितनी बार आएगा, 49 बार आएगा। छः कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। बहुत आसान है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो स्क्वायर में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, इसी तरीके से स्क्वायर निकालना है। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्यूब का होगा, तो अगले क्लास में हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वादे के अनुसार मैं आपको आया पढ़ाया, ठीक है। और गांव में मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। जियो का तो नेट चल ही रहा होगा भाई गांव में, गांव में तो बहुत अच्छा चलता है ना, नहीं चलता है, चलता है, ठीक है। तो गांव में जियो का नेट चल रहा है, उससे हमारी वीडियो देखिए, मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो मौका मिला इसको बेकार ना जाने दीजिए ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह सुबह, और कल हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।